तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा प्लांट से मैंने एक लीव निकाली है एलोवेरा लीव इसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे जो मैंने वॉश कर लिया है इसको और इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे इसको अच्छे से कट करने के बाद हम इसका जो भी जेल है उस जेल को निकाल लेंगे बाउल या कटोरी जिसमें भी आपको निकालना हो उसमें हम इस जेल को निकाल देंगे तो ये देखिए जेल जो है मैंने कटोरी में डाल दिया है अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ताकि एक ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाए बिल्कुल तो ये देखिए पेस्ट बन के मेरा ये रेडी हो चुका है तो बस अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना है बस मैं यहाँ पे टू टेबलस्पून करीब कैस्टर ऑयल लूँगी और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आपको तब तक मिक्स करना है जब तक दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो ये मेरा एलोवेरा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है इसको हमें अपने बालों में अच्छे से लगाना है अपने जड़ों में रूट्स में और बालों के नीचे लेंथ तक आपको अच्छे से मसाज करते हुए अपने बालों में लगाना है और हाफ एन आवर बाद आप अपने बालों को अच्छे से धो लीजिएगा नॉर्मल शैम्पू से जैसे आप हेयर वॉश करते हैं वैसे आपको हेयर वॉश करना है उसके बाद कंडीशनर लगाना है कंडीशनर ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इसके बाद थोड़े से आपके जो बाल हैं और स्कैल्प है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसलिए कंडीशनर आप बालों में जरूर लगाइएगा चलिए मैं बाल वॉश करके आती हूँ फिर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है तो आप ये देख सकते हैं मेरे बाल कितने सॉफ्ट शाइनी हो गए हैं और इसमें आपके बालों की लेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी साथ ही साथ आपके बालों में जो भी डेंडरफ की प्रॉब्लम है या और काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके बालों में बालों का झड़ना बालों में डेंड्रव की प्रॉब्लम्स और बालों की ग्रोथ ना हो इन सब का सॉल्यूशन ये पेस्ट आप इस पेस्ट को महीने में कम से कम चार बार यानी कि हफ्ते में एक बार जरूर लगाइएगा और गारंटी है कि आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए थैंक यू